वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, यार होली तो कल चली गई, होली का सेलिब्रेशन भी हमने कर लिया, लेकिन हमारे चेहरे पे होली पिंपल रैशेस या फिर ड्राइनेस छोड़ गई, क्योंकि होली के कलर्स हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो सकते हैं। आज मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आपका फेस पे जो भी कलर्स की वजह से रैशेस वगैरह आए होंगे ना, वो चले जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको चाहिए होगा बेसन। तो मैंने यहाँ छोटी वाली कटोरी या फिर आप 4 स्पून भी कह सकते हैं, यहाँ मैंने 4 टीस्पून लिए हैं बेसन के, जो कि मैं स्पून ये दिखा रही हूँ, यही वाला स्पून। एंड नेक्स्ट जो इसके अंदर आपको ऐड करना है वो है दही, क्योंकि दही नरिशमेंट लाता है, चेहरे को ठंडक देता है, तो जितनी भी कलर्स की गर्मी होती है ना वो चली जाती है चेहरे पे से और पिंपल्स हट जाते हैं। तो दही आपको लेना है 2.5 टीस्पून, और इससे ही आपका जो नरिशमेंट है वो आ जाएगी, बेसन से ड्राइनेस चली जाएगी और दही से पिंपल चले जाएंगे और दही से आपका जो रैशेस हैं वो भी जाएंगे। और ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा पानी। सो आपको यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, क्योंकि इसमें मिक्स करते हुए ध्यान रहे कि इसमें बबल्स नहीं आने चाहिए, इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो आपका पेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कट कर दी थी वीडियो ताकि मैं इसका स्मूथ पेस्ट बना सकूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करना है और अपने फेस के हिसाब से आप ले सकते हैं बेसन और दही। तो या सो यहाँ ये देख रखे हैं आप कितना स्मूथ पैक बन चुका है। तो मैं या कोई भी यूट्यूबर कोई भी रेमेडी बताए ना, तो उससे पहले आपको अपने हाथों पे इस्तेमाल करके चेक कर लेना चाहिए। सो मैं अपना फेस इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं अपने हैंड्स पे ही दिखा देती हूँ आपको। तो ये हैंड्स पे आप लगा सकते हैं अपने, इसे बस 5 मिनट तक आपको छोड़ना है फेस पे। अगर आपके हैंड पे ये सूट कर जाता है तो आपके फेस पे भी कर जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे सगे संबंधियों के साथ। सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।